हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मेरी किचन। मैं हूँ नेहा। आज की जो मेरी रेसिपी है वो स्पेशली वेट लूज कर रहे हैं उन लोगों के लिए या फिर जो लोग डाइट पे हैं उन लोगों के लिए रेसिपी बहुत ही अच्छी है। तो आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी पोहा या फिर रोस्टेड पोहा। तो इसे बनाना बहुत ही ईजी है। मैंने लिया है यहाँ पे पोहे और मैंने यहाँ पे नमक लिया है। मैंने यहाँ पे 2 कप नमक लिया है। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिया है यहाँ पे कढ़ाई, ये नॉर्मल कढ़ाई है जो घर में हम सब्जी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें डाल देंगे हम नमक और नमक को हम 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि नमक जो अच्छे से गर्म हो जाए। ये जो वाइट 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 नमक होती है नॉर्मल नमक जो हम यूज़ करते हैं वो यही नमक है। बट मैं इसे हमेशा पोहे वगैरह रोस्ट करती हूँ इसलिए इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। तो नमक गर्म हो चुकी है। अब हम डाल देंगे इसमें हम 2 मुट्ठी पोहे और इसे हम रोस्ट करते हैं। इसे रोस्ट होने में 2 से 3 मिनट का समय लगता है। तो इसे हम क्रिस्पी होने तक इसे भुनेंगे। तो हमारा पोहा अच्छे से रोस्ट हो चुका है। आपको मैं बहुत ही इजी स्टेप बता रही हूँ नमक को अलग करने का। अगर आपके पास छलनी नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ आप इसे कैसे इजी का नमक निकाल सकती हैं। तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। हम ले लेंगे एक थाली और ये जो ऐसा वाला बर्तन आता है वो हम यहाँ पे ले लेंगे और डाल देंगे यहाँ पे डायरेक्ट हम पोहे को इसे और इस तरह से हम सारा नमक निकाल लेंगे और बाकी का बचा हुआ जो पोहा है उसे रोस्ट कर लेते हैं। तो मैंने इसी तरह से सारे पोहे को रोस्ट कर लिया है। आई नो थोड़ा लंबा प्रोसेस है बट ट्रस्ट में बहुत अच्छा लगता है जब ये बनता है। तो मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि इजली टूट रहा है उसमें क्रिस्पनेस फिर कितनी सारी है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और इस और ये रोस्टेड पोहे को हम आराम से 800 में 1 महीना तक रख सकते हैं या फिर उससे ज़्यादा भी। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको ये कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी के साथ।